अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ये लेक्चर सीखने जा रहे हैं कि हम इस क्लिक करने से अपनी पिक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं गैलरी के फोल्डर में। तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ, जल्दी से टाइम जाए कि अभी ना अपने पास Sub9X3, इसको कंट्रोल एस करता हूँ और जाके फोल्डर के अंदर करता हूँ इसको जी सेव। यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ जी, यहाँ पे क्या देता हूँ जी, गैलरी बनाओ HTML के अंदर। यहाँ पे HTML का टैग लगाया, गैलरी टैग क्रिएट सेट किया। यहाँ पे गए अपने फोल्डर के अंदर, गैलरी वाले टैग को किया जी ओपन। अभी तक कुछ भी नहीं नजर आया, तो यहाँ से डिजी कलर वॉच पिंक कर लेते हैं जी। नहीं, वॉच पिंक कलर हो गया। अब इसके अंदर हमने आना है, एक इमेज का टैग लगाना है और इसको बोलना है कि इमेजेस में जाए और जल्दी से वहाँ से एक पिक्चर उठा लाए। हमारे पास इमेजेस में ये वाली पिक्चर पड़ी है, मैं कहता हूँ ये वाली AS1 पिक्चर लगाए, AS1 2 3 जो भी है, AS3.jpg ये पिक्चर लगाए। इधर आए, रिक्वेस्ट किया, पिक्चर आ गई। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल सेंटर की तरफ जाए, तो यहाँ पे सेंटर का टैग स्टार्ट किया है, तो लाजिम सी बात है यहाँ पे सेंटर का टैग क्लोज करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में चली जाएगी। ऊपर से नीचे की तरफ मूव करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, नहीं करवाना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसी वाले टैग के अंदर रहते हुए चल कर यहाँ पे मैं आता हूँ, इसकी विड्थ कंट्रोल करता हूँ, ठीक है, और फिर इसकी हाइट भी कंट्रोल नहीं करूँगा और फिर इसका एक बॉर्डर भी नहीं मेंशन करूँगा क्योंकि ये सारा कुछ मेरे हैंड में है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ए का टैग लगाता हूँ और इसको कहता हूँ पिक्चर वन। ये देखते हैं कि कहाँ पर आया, ये जी यहाँ पे आ चुका है पिक्चर वन, ठीक है। अगर यहाँ पे ना लेके आना हो, आप नीचे लेके आना चाहते हो, तो ये भी कोई मसला नहीं है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, तो यहाँ पे आते हैं, एक सेंटर का टैग लगाते हैं, इसमें कर देते हैं जी पेस्ट सिंपल। और इधर आए, रिक्वेस्ट किया, ये देखें ये आ गया जी वन। अब मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक हो तो पिक्चर चेंज हो, और पिक्चर चेंज कहाँ पे हो, जो पिक्चर मैं इसके अंदर ऐड करूँगा वही पिक्चर हो, ठीक है। मैं बोलता हूँ इमेजेस के चेक के अंदर जाए, AS4.jpg वाली पिक्चर लगा दो। जब इस पर क्लिक हो तो देखते हैं ऐसा होता है जी, क्लिक करने से वैसा ही हो गया, लेकिन क्या करना है हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी जो विड्थ और बॉर्डर है उसको सबको मेंशन करना है यहाँ पे आके, ठीक। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको अपना किया जी पेस्ट, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे आगे करते हैं जी क्लिक। क्लिक करने से वो पिक्चर बढ़िया आ रही है, उसकी विड्थ और हाइट बिल्कुल भी इसके अंदर कंट्रोल नहीं हो पा रही। मैं चाहता हूँ ये भी कंट्रोल हो, तो इसको हम कंट्रोल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, समझ आई होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाले जो है ना टैग, ये इमेज का टैग, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करते हैं, चेक करते हैं कि अगर ये वर्क करता है तो हम ऐसे ही इसको वर्क करवा देते हैं, क्या जरूरत ज़्यादा चीज़ें करने की। यहाँ पे पेस्ट वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, नहीं जी ऐसे नहीं होगा, वैसे ही कंट्रोल होगा जैसे हम पहले कर देते हैं। तो चलें बाकी लेक्चर को कल इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, करने के लेक्चर को कंट्रोल। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।